इवनिंग गाइस, सो पेट्रियट 65 इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो पहला यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट, ये अभी भी रिसेंट भी वैसे ही न्यूज़ में था। इंडिया ने क्या है, नॉन परमानेंट सीट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जीत ली है और विद द सपोर्ट ऑफ 55 मेंबर्स, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप में जो 55 मेंबर्स है उनकी सबकी सपोर्ट से इसने जीती है। तो क्या है, 2 साल के लिए जीती है, 2021 से 22 से। यूएनएससी मेंबरशिप में क्या है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सीट्स होती हैं और उसके साथ क्या है, 10 पे टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो हर साल क्या होते हैं, रोटेट होते हैं बाय ज्योग्राफिक रीजन। 5 जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस है। जो 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं वो इस तरह से कुछ डिवाइड हैं, अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स के लिए 5 हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए 1 है, 2 सीट्स हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट्स की, 2 हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स की। हर साल 193 मेंबर्स हैं जो यूएन जनरल असेंबली में इलेक्ट करते हैं 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2 ईयर टर्म। 2 साल के टर्म के लिए क्या है, 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। हर साल क्या है, 5-5 मेंबर्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जो ये 5 मेंबर्स हैं जो हर साल हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो जो 193 मेंबर्स हैं यूएन जनरल असेंबली के वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, टू बी अप्रूव्ड अ कैंडिडेट। अब अगर आपको वहाँ पे कैंडिडेसी लेनी है, जैसे इंडिया ने भी कैंडिडेसी ली है, तो उसको पहले एटलीस्ट 2/3 सीट्स वहाँ पे जीतनी पड़ती है। जो एकदम से रिटायर्ड मेंबर होता है वो एकदम से इमीडिएट रीइलेक्शन के एलिजिबल नहीं होता है। लाइक अगर इंडिया 2021-22 के लिए इलेक्ट हुआ है, तो 2022 में जैसे ही वो रिटायर होगा वो एकदम से इमीडिएट रीइलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वही नॉमिनेट करता है वन ऑफ इट्स इस मेंबर्स फॉर 2020 इलेक्शन टू रन परमानेंट नॉन परमानेंट सीट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। करंटली जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो आप देख सकते हो, वैसे ये कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है यूएनएससी रिफॉर्म एजेंडा में। 5 सेट ऑफ इश्यूज हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप, क्वेश्चन ऑफ द वीटो, रीजनल रिप्रेजेंटेशन कितनी है, साइज ऑफ एन एनलार्ज्ड काउंसिल एंड इट्स वर्किंग मेथड, और सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल असेंबली रिलेशनशिप। इंडिया यूएन का क्या रोड मैप है, इंडिया ऑलरेडी 7 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। अच्छा, और विद इंडिया अनाउंस इट्स कैंडिडेसी फॉर 2021-2022 सीट एट द एंड ऑफ 2013 के एंड में इंडिया ने अनाउंस करी थी कि मैं इस बार ही लड़ूंगा इलेक्शन। ठीक है, विद अफगानिस्तान अ पोटेंशियल कॉन्टेंडर विदड्रॉइंग इट्स नॉमिनेशन टू अकोमोडेट इंडियाज़ कैंडिडेसी बेस्ड ऑन द लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द टू कंट्री। ठीक है गाइस, तो इसमें यही है कि यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट इंडिया ने 2 साल के लिए जीत ली है। ठीक है, यूएनएससी का आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन, 5 परमानेंट सीट होती हैं, 10 नॉन परमानेंट होती हैं, और जो हर साल जो 5 सीट्स को चुना जाता है वो यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और इमीडिएट रीइलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन नेक्स्ट पढ़ते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अभी यूएन जनरल असेंबली ने इलेक्ट करी है 14 स्टेट्स को, किसमें, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है ये जनरल असेंबली के द्वारा क्रिएट की गई थी मार्च 2016 में एज अ प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन। ये डील करती है ह्यूमन राइट से। जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसमें 47 इलेक्टेड मेंबर स्टेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी के बेस पे काउंसिल की सीट्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं उन्हें 13 सीट्स दे रखी हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स को भी 13 सीट्स दे रखी हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 6 सीट्स दे रखी हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट्स को 8 सीट्स दे रखी हैं, और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स को 7 सीट्स दे रखी हैं। जिस तरह आपने देखना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट्स डिवाइड थी 10, उसी तरह 47 सीट्स ऐसे डिवाइड हैं किसमें, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में। द मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं मेंबर वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं और 3 साल के लिए होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कितने टर्म के लिए होते हैं और कौन इलेक्ट करता है। जैसे यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। करंटली इंडिया इसका इलेक्टेड मेंबर है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का। यूएस ने विड्रॉ कर दिया था 2018 में यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए, यूएस अभी इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं यूएन पीस कॉपिंग कीपिंग फोर्सेज। अभी जो इंडियन पीस कीपर्स हैं जो साउथ सूडान में वो डिप्लॉयड हैं, उनको अभी प्रेस्टीजियस यूएन मेडल रिसीव किया है उन्होंने, यूएन मेडल उन्होंने जीता है। जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो हैं क्या, ये इनका मेन मकसद ये है, जो कंट्रीज़ अभी वॉर की सिचुएशन से या सिविल वॉर की सिचुएशन से झूल रही हैं वहाँ पर पीस को मेनटेन करके रखना यूएन पीस कीपिंग
फोर्सेस वही होती हैं, ठीक है। जो पहले यूएन पीस कीपिंग मिशन था वो मई 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये मिडल ईस्ट में मॉनिटर किया था उसको, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। जब वहाँ पे इसराइल और उनके अरब में मेंबर्स में से क्या हो रहा था, कुछ लड़ाई हो रही थी। यूएन पीस कीपिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्सेंट होना चाहिए पार्टीज का, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, फोर्स का यूज़ नहीं करना जब तक कोई सेल्फ डिफेंस, या सेल्फ डिफेंस के मामले में तो आप यूज़ कर सकते हो फोर्स का, या फिर किसी डिफेंस जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो उस कंडीशन में कर सकते हो। जो भी फाइनेंशियली सोर्सेज होते हैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के, वो यूएन मेंबर स्टेट्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी डिसीजन होता है कि यार हमने यहाँ पे जो फोर्स है उसको एक्सपेंशन करना है या उसको कम करना है या यहाँ पे अब भेजना है, वो जो सारे डिसीजन है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। इंडिया ने 200,000 से ज़्यादा मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स यूएन पीस कीपिंग को भेजे हुए हैं पिछले 70 साल में इन मोर देन 50 मिशन। सबसे पहले कोरियन वार 1950 में भेजे थे इंडिया ने अपने 2,00,000 मिलिट्री या पुलिस ऑफिसर। इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ पीस कीपर्स को खोया भी है पिछले 70 सालों में, 168 मिलिट्री पुलिस और सिविलियन पर्सनल कैजुअलिटीज़ में उनकी डेथ हुई है। जो यूएन है वो तीन तरह के अवार्ड देता है, फिलहाल इंडिया ने यूएन मेडल अवार्ड जीता है। यूएन मेडल अवार्ड उनको देते हैं हम, मिलिट्री पर्सनल या सिविलियन पुलिस को जो यूनाइटेड नेशन की सर्विस में है उन्हें यूएन मेडल देते हैं। दाग हमर्सल्ड मेडल होता है, ये अवार्ड उनको देते हैं जो अपनी जान खो चुके होते हैं ड्यूरिंग देयर सर्विस। कैप्टन मबाय दयाग्नि मेडल ये उन्हें देते हैं, मिलिट्री या पुलिस या सिविलियन किसी भी पर्सनल को उन्हें देते हैं जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल करेज शो किया है, ठीक है। तो तीन तरह के अवार्ड देते हैं जो यूएन, और अभी इंडिया ने यूएन मेडल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट चलते हैं यूएन हैबिटेट। इंडिया को अभी इलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली, जो यूएन हैबिटेट असेंबली है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है। तो जो पहला सेशन हुआ था यूएन हैबिटेट असेंबली का, वो यूएन हैबिटेट के हेडक्वार्टर पे ही हुआ था, और यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है। जो स्पेशल थीम थी यूएन हैबिटेट असेंबली की वो था इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड द कम्युनिटीज। अब जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप क्या है, अभी रुकते हैं इसको, 1997 में ये फॉर्म हुआ था। इसके अंदर क्या है, सारे यूएन के जितने प्रोग्राम, स्पेशलाइज एजेंसीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेज, वो सारा सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं इसकी डेवलपमेंट में। जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसे क्रिएट किया गया था, किसने, यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने क्रिएट किया था, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एट द कंट्री लेवल। अब यूएन हैबिटेट क्या है, पहले तो उसकी फुल फॉर्म देखो, यूएन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। ये यूएन का ही प्रोग्राम है, किसका, यूएन का ही प्रोग्राम है, ताकि ह्यूमन सेटलमेंट्स और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, कि हमने क्या है कि अर्बन डेवलपमेंट मेनली सस्टेनेबल वे में अर्बन डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। जो यूएन हैबिटेट है इसको 1978 में एस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था, 1976 में यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की वैंक्यूवर में, तभी इसका आउटकम आ गया था कि यूएन हैबिटेट हम एस्टेब्लिश करेंगे। इसका काम क्या है, प्रोमोट करता है ये सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स और सिटीज़, टाउन्स और सिटीज़ को क्या करता है, प्रोमोट करता है सस्टेनेबल वे में, ठीक है, सारे अर्बनाइजेशन के मामले में। ये जो यूएन हैबिटेट है ये मेंबर किसका है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। अभी तक यूएन हैबिटेट के अंदर तीन कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वैंकूवर में हुई थी 1976 में, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्तांबुल में 1996 में, और थर्ड कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी इक्वाडोर में। तो आप देख लो हर 20-20 सालों के गैप में ही हो रखी है। वैंकूवर डिक्लेरेशन में यही हुआ था कि हम किस तरह से प्लानिंग करें इकोनॉमिक, सोशल और साइंटिफिक थिंकिंग है, ताकि जो अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है उसको हम एलिवेट कर सकें। सेकेंड जो इस्तांबुल में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें यही था कि हमें कुछ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज लेनी है जिससे जो ग्रोइंग पॉपुलर प्रॉब्लम है पावर्टी और पुअर हाउसिंग कंडीशंस हैं उसको हम डील कर सकें। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने न्यू अर्बन एजेंडा को अडॉप्ट किया था जिसका यही था कि हम कैसे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को अचीव कर सके बाय रीथिंकिंग द वे वी बिल्ड, मैनेज एंड लिव इन द सिटीज़, ठीक है। सो तीन कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, पहली वैंकूवर में थे, फिर दूसरी इस्तांबुल में, और तीसरी इक्वाडोर में। पहले में हमने वैंकूवर डिक्लेरेशन करा था जिसमें हमने
या किसी अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन के हम कैसे डील करेंगे। सेकंड में हमने ये कह रहा था कैसे पुअर हाउसिंग और पावर्टी को एलिवेट करेंगे। थर्ड में हमने एक न्यू अर्बन एजेंडा को अडॉप्ट किया था जिसमें हमने कहा था कि हम कैसे अर्बन डेवलपमेंट को सस्टेनेबल मैनर में अचीव करेंगे। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान ने वायलेट किया वीना कन्वेंशन। किस केस में, जो कुलभूषण यादव जी का कुलभूषण जाधव जी का केस चल रहा है ना, उसके केस में पाकिस्तान ने वीना कन्वेंशन को वायलेट किया। देखो, तीन तरह की कोर्ट्स होती हैं, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। अब इन तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या है। पहली बात तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं, 1946 में आई है, 2002 में, ये 1899 में। ठीक है, आगे देखो, जो ICJ है ये ऑफिशियल कोर्ट है यूएन का, इसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, नीदरलैंड में है, हेग में। इसके जो जुरिस्डिक्शन है, जो भी यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो सब इसकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं। किस तरह के केसेस लेता है, किसी पार्टीज दो मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हों, एडवाइजरी ओपिनियन कोई देना हुआ, कौन से सब्जेक्ट मैटर आते हैं इसमें, सोवरेनिटी के रिलेटेड, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रीटी को इंटरप्रिटेशन हो रहा है या, ठीक है, ऑथराइजेशन, लीगल मैकेनिज्म क्या है। जो स्टेट्स रेटिफाई करती हैं यूएन चार्टर की, वो खुद ब खुद ICJ की स्टैच्यू की पार्टी बन गई थी अंडर आर्टिकल 93। जो नॉन यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो भी ICJ की मेंबर बन सकती हैं बाय रेटिफाइंग द ICJ स्टैच्यू। हर स्टेट को अपना कंसेंट देना होता है टू एनी कॉन्टेंटियस केस, जो भी डिस्प्यूटिव केस होता है, बाय एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन और ट्रीटी क्लॉज। अपील्स क्या है, वैसे तो इसकी अपील नहीं होती, जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन देता है वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट फेल हो जाती है जजमेंट अपनी कंप्लाई करने पे, मतलब कि नहीं मानती, तो इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले लेता है। ठीक है, और वो रिव्यू करता है, रिकमेंड करता है और डिसाइड करता है कि कैसे एनफोर्स कराना है। ठीक है, अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हाँ, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ही कुछ केस को रेफर कर सकता है, खुद ब खुद ये इनिशिएट कर सकता है कोई भी प्रोसिक्यूशन में क्रिमिनल प्रोसीडिंग विदाउट यूएन एक्शन। इसका भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। जुरिस्डिक्शन इंडिविजुअल की जुरिस्डिक्शन है, किस तरह के केसेस ये डील करता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो उनको डील करता है। क्या क्या मैटर करता है, कोई भी जिनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एक्सक्रेशन, ये किस पे काम करता है, रोम स्टैच्यू। जैसे इधर कौन सा स्टैच्यू था, ICJ स्टैच्यू, इधर ये रोम स्टैच्यू पे काम करता है, और इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है रोम स्टैच्यू पे। अपील, आर्टिकल 80 जो रोम स्टैच्यू का है वो अलाउ करती है डिटेंशन ऑफ एक्यूटेड डिफेंडेंट पेंडिंग अपील। ये अगर जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मामला है, अगर उसने कोई भी डिसीजन दिया है तो वो अपील कर सकते हैं अपील चैम्बर में। ठीक है, अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन एजेंसी नहीं है, लेकिन जो ये एक ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर जरूर है, यूएन की एजेंसी नहीं है लेकिन यूएन की ऑब्जर्वर है, ये भी है नीदरलैंड में ही है। तो जुरिस्डिक्शन क्या है, मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पार्टीज, किस तरह के केसेस लेता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, लाइक ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी है तो उसी तरह काम करता है। किस तरह के मैटर को डील करता है, टेरिटोरियल या मैरिटाइम बाउंड्रीज, सॉवरेनिटी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड, ऑथराइजेशन, लीगल मैकेनिज्म क्या है इसका, हेग कन्वेंशन पे काम करता है 1899 में। अपील क्या है, ये भी बाइंडिंग होती है जो भी डिसीजन दे दे, और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है अपील का। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया हो। जो वीना कन्वेंशन है 1963 में आया था, इसमें क्या सारी गाइडलाइंस हैं कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आपस में किस तरह से रिलेशन, मतलब काउंसलिंग कर सकते हैं एक दूसरे की। ठीक है, वीना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 में आया था, इंटरनेशनल TTA जो फ्रेमवर्क बताते थे डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जो इंडिया है वो पार्टी दोनों अबव कन्वेंशन दोनों के मेंबर है, वीना कन्वेंशन और कौंसलर रिलेशन 1963 की भी है, और जो 1961 में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन पे वीना कन्वेंशन है तो उन दोनों का इंडिया मेंबर है। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी इंडिया को इनवाइट किया है कि वो ज्वाइन करे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर के रूप में।
अब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्या है? ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन करती है बहुत सिविलियन और मिलिट्री पर्पज़ के लिए इन ऑल द एनवायरनमेंट। इन ऑल द एनवायरनमेंट मतलब ना कि आप लैंड में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ना एयर में, ठीक है, ना आई मीन ना सॉरी हाँ। तो ये CTBT क्या है? ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करती है सिविलियन और मिलिट्री पर्पज़ के लिए हर एनवायरनमेंट में। हर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि ना आप एयर में, ना लैंड में, ना वाटर में, किसी भी एनवायरनमेंट में आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सिंस द टाइम जब से ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुई है, इंडिया ने इस ट्रीटी को सपोर्ट नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इस ट्रीटी के सपोर्ट में नहीं है। UN जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 1996 में। अभी तक 184 कंट्रीज़ हैं जो इस ट्रीटी को साइन कर चुकी हैं, जिसमें से 168 कंट्रीज इसको रेटिफाई भी कर चुकी हैं। रिसेंटली घना ने 2011 में इसे क्या किया था, रेटिफाई किया था। इट विल कम, लेकिन जो CTBT ट्रीटी है वो अभी तक फोर्सेबल में नहीं है। फोर्स में वो कब आएगी? जब जिस दिन 44 कंट्रीज जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो उससे साइन और रेटिफाई दोनों कर लेती हैं। अभी तक इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ने ना साइन किए ना रेटिफाई किए हैं, जबकि चाइना, इजिप्ट, ईरान, इसराइल और USA ने साइन कर दिया लेकिन उसे रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। अगर इस ट्रीटी को हमने ऑपरेशनलाइज लेना है, कुछ मेजर्स लिए हैं इन्होंने ताकि वो स्टेट्स के अंदर कुछ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। तो पहला तो क्या है, प्रिपरेटरी कमीशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1997 में एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके अंदर ये है कि वो ऑपरेट करेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। CTBT वेरिफिकेशन डिज़ाइन में ये कॉन्स्टेंटली मोनिटर करेगा प्लैनेट में कि कहाँ कोई एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, तीन तरह के हैं। IMS इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि सेंसर्स का ग्लोबल नेटवर्क है जो डिटेक्ट करेगा पॉसिबल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को। इंटरनेशनल डाटा सेंटर है और ऑन साइट इंस्पेक्शंस है, ठीक है। अब इंडिया ने CTBT क्यों नहीं ज्वाइन किया है? CTBT, इंडिया सोचता है कि जो CTBT है वो वर्ल्ड को दो तरह में बांट देती है, एक तो न्यूक्लियर जिनके पास पावर है और दूसरे जिनके पास नहीं है, ठीक है। एज इट फेवर्स द न्यूक्लियर पावर स्टेट्स, ठीक है। नो टाइम फ्रेम मेंशन, कोई ऐसा टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है कि कब हम इसको, जो न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल कर सकें, और हर एक बंदा साइलेंट है ऑन कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। मतलब कोई करना नहीं चाहता न्यूक्लियर को डिसआर्ममेंट, लेकिन चाह भी रहे हैं कि साइन कर दें। डज नॉट एड्रेस इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न, ये नहीं देख रहे कि इंडिया का जो नेबरहुड है वो कितना होस्टाइल है, हर तरफ से, कहीं से चाइना है, कहीं पाकिस्तान है, तो इस तरफ से इतने हमारे नेबर्स, इतने अच्छे अच्छे नेबर्स हैं, तो वहाँ से हमें इतना थ्रेट मिलता है, ठीक है। तो इंडिया का कंसर्न भी देखना चाहिए भी कल को जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, ठीक है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा पा रही है, जैसे एनर्जी नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग एनर्जी, ठीक है। अब अदर इनिशिएटिव क्या है जो डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए लिया है? न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी 2017, ये पहली मल्टीलेटरल लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए लिया गया था। हाउएवर इसको अभी भी फोर्स में नहीं लाया गया। इंडिया और कुछ न्यूक्लियर आर्म स्टेशन हैं जैसे USA, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस निगोशिएशन में, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट हुई थी, ये 1979 में हुई थी। सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्ममेंट हुई थी, निगोशिएशन फोरम हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की। इंडिया इज़ वन ऑफ इट 65 मेंबर्स। स्पेंसेड मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया था, इसमें कुछ नहीं है, बातचीत वगैरह हुई थी, ठीक है। तो इंडिया ने इसमें ज्वाइन किया था। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलीफ्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स 1968। नॉन प्रोलीफ्रेशन का मतलब क्या है कि जमा नहीं करना, मतलब जमाखोरी होते हैं ना उस तरह से कोई जमाखोरी ना कर पाए। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो प्रिवेंट कर सके स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को एंड वेपन टेक्नोलॉजी को, और प्रमोट कर सके कि जो न्यूक्लियर एनर्जी में आप पीसफुल यूज़ करो न्यूक्लियर एनर्जी का, एंड टू फर्दर गोल ऑफ अचीव। और उसका यही है कि बाद में हम कभी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के गोल को अचीव कर सकें, एंड जनरल एंड द कंप्लीट डिसआर्ममेंट। इंडिया, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान ने इस ट्रीटी में पार्टी नहीं लिया था। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ हम इस मैगजीन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे तो फिर अपनी नेक्स्ट मैगजीन स्टार्ट करें, क्योंकि अभी हमारी मेन जो तीन मैगजीन है वो रह रही है, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए गाइस, टाटा, बाय बाय।